यशोदा नगर क्षेत्र में उस समय गमगीन माहौल हो गया जब भारी बारिश में सैकड़ों महिलाएं वार्ड 63 की पार्षद श्वेता गुप्ता के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन में सड़क में उतर गईं और इस भारी बारिश को चुनौती देते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। आपको बताते चलें ये पूरा मामला। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी से पूरे देश में फैला आक्रोश। ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में आरोपियों को फांसी की मांग को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन जारी। क्या दिल्ली की निर्भया की तरह ट्रेनी डॉक्टर को मिलेगा इंसाफ? कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल की एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। वहीं कानपुर दक्षिण थाना सेन पश्चिम पारा न्यू आजाद नगर चौकी के अंतर्गत ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुए हैवानियत से आक्रोशित सामाजिक संगठन के सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर भारी आक्रोश जताया और महिला डॉक्टर के दोषियों को फांसी के फंदे में लटकाने की मांग की। क्षेत्रीय लोगों व क्षेत्रीय महिलाओं ने गंगापुर कॉलोनी से लेकर रघुनाथपुरम चौक तक की विरोध प्रदर्शन किया और सभी काले कपड़े में नजर आए। क्या मोदी जी दिल्ली की निर्भया की तरीके ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी और हत्या करने वाले दोषियों को फांसी की सजा दिलवाएंगे? क्या डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा? इस विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से पार्षद श्वेता गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं व सम्मानित बच्चियां क्षेत्रवासी बरसते पानी में पैदल मार्च निकालकर दुराचारियों को पुतला फूंका। मुख्य रूप के साथ आरती स्नेहा शिवांशी सीपी गुप्ता सारिका ज्योति शेफाली अमृता नेहा अवस्थी कोमल पूनम सविता निधि पूजा मंजू राधा बीना गीता रश्मि धर्मेंद्र मनोज अभिषेक राजन आदि लोग उपस्थित रहे। समस्त क्षेत्रवासी भारत सरकार से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से न्यायालय से मांग करते हैं कि ममिता के हत्यारों को शीघ्र चौराहों पर फांसी दी जाए और आप सबसे आग्रह करेंगे पूज्य आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे और इस परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। हम सब लोग ममिता जी के गम में शरीक होकर के 2 मिनट का मौन रखेंगे, उसके बाद में पुष्पांजलि सभी लोग अर्पित करेंगे, उसके बाद अपने 2 मिनट का मौन।